सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी के चलते दुश्मनों से लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बलिया जनपद के बांसडिया कोतवाली क्षेत्र के विद्या भवन नारायणपुर गांव का रहने वाला जांबाज नायक विजेंद्र बहादुर सिंह शहीद हो गया। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नारायणपुर में हुआ। शहीद ब्रजेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी सहित हजारों लोग आए। सुनिए क्या कहना है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का। अमर शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह की शहादत पर हम सब बलिया वालों को, प्रदेश के लोगों को हमें गर्व है और इसी बहादुरी से हमारे जावाज सिपाही सीमा पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की उस प्रत्येक कायराना हरकत का जवाब हमारे जावाज सिपाही दे रहे हैं। उरी के हमले का बदला लिया, पठानकोट के हमले का बदला लिया, अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ उसका बदला लिया, पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमर शहीद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के सहयोगी साथियों ने सीमा पर कड़ी चौकसी करते हुए पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए 368 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। हमें सबको हमारी फौज पर गर्व है। इस संकट की घड़ी में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार शहीद परिवार के साथ है। अमर शहीद ब्रजेंद्र बहादुर के नाम से यहाँ प्रवेश द्वार बनेगा, एक यहाँ क्रीड़ा स्थल का प्रस्ताव है, एक यहाँ उनके नाम से स्मारक बनेगा और 25 लाख रुपए की एक सहायता राशि सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें 20 लाख रुपए परिवार के लिए और 5 लाख रुपए जावा सिपाही के माँ और पिताजी के लिए है। इस संकट की घड़ी में सरकार साथ है और शहीद परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। दुखद घटना है, हमारे क्षेत्र का एक बिहार में जो सीमा की रक्षा कर रहा था, पाकिस्तानी आतंकवादियों के परिवार गोली से शहीद हो गए। इसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए। रोज रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है, इसीलिए मैंने उनके नाम पर अपने विधायक नहीं दे सकता विजेंद्र सिंह स्मृति सहित विजेंद्र सिंह स्मृति द्वार बनाने को दिल्ली के विकास अधिकारी को। SPN 9 न्यूज के लिए बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट।